हर ट्रीटमेंट जो होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे किसी को बिस्तर पे लिटा के तो अगर पलस्तर चढ़ा के तो उसकी टांग हवा में ऊंची कर दें तो इसके साइड इफेक्ट होंगे, वो बंदा जो है कई दिन काम नहीं कर सकेगा और इसी तरीके बेड रेस्ट होगा या कुछ होगा। तो जब आपके पेशेंट्स इलाज में होते हैं, तो आज तक मैंने आपको वैसे ये बात नहीं बताई, आप भी इलाज में होते हैं, अब इस पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक। फैमिली की रिकवरी, फैमिली को उतना ही इलाज की ज़रूरत होती है। जो कराची सेंटर बन रहा है वो उस चीज़ की गवाही है कि आहिस्ता 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 ये बात हम खुल के करने लगे हैं कि आइडेंटिफाइड पेशेंट के साथ साथ एक अनआइडेंटिफाइड पेशेंट भी होता है जो गर्मियाँ खाता है, जो आग भगोला होता है, जो जलती पर तेल छिड़कता है, तो जो इत्मीनान से खाली है, जो स्ट्रेस में है, जो डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, जो दिल की बीमारी में मुब्तला हो रहा है अपने बेटे की स्ट्रेस की वजह से, तो आप समझ लें कि वो भी बीमार है, पर हम ज़रा थोड़ा डिस्गाइज करके थोड़ा उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो काफ़ी सीख के आगे बढ़ जाता है तो खुल के मान जाता है, कहते हैं सानू तो लगता है कि साढ़े च भी बड़ा काम है करने वाला। तो ये बातें जो हैं अब हम थोड़ा और खुल के यानी करना शुरू हुए, और फिर आप कई दफ़ा सोचते होंगे कि हम बातों को रिपीट भी करते हैं। उसकी दो वजूहत हैं कि रिपीट किए बगैर वो बात सिंक इन नहीं करती। कोको कोला का एड भी वो जो है बार बार प्रमोशन पे होता है, सारा साल प्रमोशन पे होता है, और उससे फ़र्क क्या पड़ा? आप में से कुछ ज़रूर इस फ़र्क को समझ गए होंगे कि पहले कुछ अर्सा पहले 50 साल पहले कोको कोला और सेवन अप सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होता था, सर्दियों में ये टोटल बंद हो जाता था। उन्होंने एडवर्टाइज़ कर करके इसको सर्दियाँ गर्मियाँ एक को जो ही कम कर देते। अब कोई उनकी सेल में ख़ास फ़र्क नहीं होता, जो गर्मियों में होती है वही सर्दियों में सेल होती है, और उसमें रेपिटिशन होती है। रेपिटिशन हर एडवर्टाइजमेंट के लिए लाजिम है, क्योंकि जब कोई चीज़ सिंक इन होती है तो वो रेपिटिशन की वजह से होती है, रेपिटिशन की वजह से, और फिर रिकॉल आती है, फिर वो उभर के सामने आती है। तो कुछ बातें हमने आपको बतानी होती हैं, बार बार इसलिए बतानी होती हैं, हालांकि हर रोज़ नई बातें भी बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर रोज़ नॉलेज इवॉल्व कर रहा होता है नशे की बीमारी का। हर रोज़ आप यूँ समझें कि हर रोज़ तकरीबन कोई 5000 सफ़े के बराबर रिसर्च अपलोड होती है, 5000 सफ़े के बराबर। अब उसमें वीडियोस शामिल हो गई हैं, वो एक अलग चीज़ है, और तकरीबन हमारी अब 7000 वीडियोस हैं, सिर्फ हमारी वीडियोस जो है वो 7000 हैं। इनका दूसरी ज़बानों में अब तर्जमा शुरू हो गया है, इजाज़त एक मांगी थी अमेरिका से किसी ने कि इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें, यानी वो नीचे लिखना शुरू करके तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहें, तो हमने कहा हमारी एक चीज़ उनको बड़ी पसंद है, टच एंड गो मीटिंग्स, टच एंड गो मीटिंग्स और ये स्टेक होल्डर सेशन। उनका ख्याल ये है, और मैं भी उनके ख्याल से मुत्तफिक ही रहना चाहता हूँ, उनका ख्याल है कि जी ताड़े मरीज़ है बड़े भले मानस ने तो तुसी कर लेना।